सर, हाउ कैन आई बी प्रेग्नेंट? सर, मैं प्रेग्नेंट कैसे हो सकता हूँ सर? नहीं, अगर हो भी तो भी, मिस्टर आर्यन क्रोवर, फॉर योर KI कंपनी ने मर्दों को मैटरनिटी लीव देना शुरू नहीं किया है सर। ये अर्जेंट वाला है। क्यों? तूफान आने वाला है, सुनामी आने वाला है, भूकंप आने वाला है, क्या आने वाला है? सर, चाचा जी आ रहा है। He's back. आकाशवाणी नहीं वो है। आएगा बंठन 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 अतिथि लंदन लंदन। अरे आज के जमाने में अतिथि नहीं, गेस्ट कहते हैं। लो आ गया मेहमान। चेहरे पे मुस्कान लिए मानो कोई पीर फकीर है, असल में उड़ता तीर है, ये विषय बहुत गंभीर है। अम्बल लहंगा ओढ़ के छुपले अड़ोसिया, पड़ोस में छुपले देश या परदेश में छुपले, चांद पे छुपले, मार्स पे छुपले, आगे छुपले पीछे छुपले, अंदर छुपले छत पर छुपले, ढूंढ लेगा सूंघ लेगा वो तो सबसे कह कर लेगा। This interview is to check that this marriage is real and that you are not having a marriage for benefits. ये दोबारा गुफ्तगु ये जानने के लिए हैंगे कि आप दोनों सचमुच में निकाह कर रहे हैंगे या वीजा के चक्कर में इनके भाई के जीजा बन रहे हैंगे। No sir, we love each other. तो ठीक है, हम निकाह के मुतालिक आपसे अलग अलग सवाल पूछेंगे। मंजूर? मंजूर। Is this a love marriage or arranged marriage? आपकी होने वाले खातून के अब्बू का नाम क्या है? क्या ससुरे का नाम क्या है? पीके पटेल। ओके पटेल। हाँ जी। दो पापा हैंगे। अनाया क्या करती हैं? टैक्सी चलाती है। आई एम अ कैब ड्राइवर। मोहतरमा कितना खाती हैं? नॉट मच। क्या रोज नहाती हैं? हाँ। पहले कौन सोते हैं? मैं। कपड़े कौन धोते हैं? मी। ज्यादा कौन कमाते हैं? मैं। ज्यादा कौन उड़ाते हैं? मी। क्या ये सब सच हैंगे? जी। ये तो टू मच हैंगे। यस सर, वी लव ईच अदर। Haven't known any couple that knows so much about each other. Little sister, this is sad marriage. You're nakli nikahenge. Why do you think so, Officer Habib? Because they know too much about each other. India, Pakistan में बीबी शोहर के बारे में अगर इतना जानते हैंगे तो फिर वो बीबी शोहर नहीं हैंगे, करण और जौहर हैंगे. Officer Habib, you Pakistanis always have problem with Indians. Your marriage date is in 15 days. Thank you, sir. Thank you, sir. अल्लाह, बॉर्डर पार करके बताना पड़ेगा। So the deal is, इस फेक मैरिज के लिए तो मनाया को 7,000 pounds लोगे, और ये तुम्हारी यूके सिटीजनशिप लेने में मदद करेगी। 2,000 एडवांस, 2,000 शादी के बाद, और बाकी के वीजा के पेपर सबमिट होते ही। अनाया शादी के 6 महीने तक तुम्हारे घर पर रहेगी, और इन 6 महीने में तुमको लोगों को और गवर्नमेंट को कन्विंस कराना है कि तुम दोनों एक बहुत अच्छे पति पत्नी हो, और फिर और इस दौरान तुम्हारे खाने पीने का, नाचने गाने का, खेलने कूदने का सबका खर्चा मैं उठाऊंगा, और कभी मेरे पास नहीं आओगे। अरे तो बहुत ज्यादा है यार। कम इन, कम। ये घर है, यहाँ हम रहेंगे। ये तुम्हारा कमरा है, अच्छा है ना? कम ऑन, प्लीज। ये बड़ा वाला है, इसका बेड भी बड़ा है, यहाँ दो लोग आराम से सो सकते हैं। एक, ये रहा तुम्हारा एडवांस, गिन लो। हाँ, पैसों के मामले में हमेशा क्लियर कट रहना चाहिए, और मैं तो हमेशा रहता ही हूँ। These are 1,500 pounds. वो मेरी सैलरी नहीं आई ना, सैलरी आते ही दे दूंगा, और अब तो हम लोग होने वाले हस्बैंड वाइफ भी हैं। नकली सही, बट मैं कहाँ भागा जा रहा हूँ यार। Listen dude, cut the crap.
एक एक पाउंड गिन कर लूंगी और अगर एक भी पाउंड कम हुआ ना तो तो हम तो होने वाले हस्बैंड वाइफ है ना, तो मैं अपने होने वाले हस्बैंड को किस कर सकती हूँ ना? Stop making that piggy face, baby. वो पाकिस्तानी ऑफिसर तुम्हारे बैकयार्ड में है. याला, इतना लंबा चुम्मा लेते होंगे. अरे मिस्टर हबीबी, आप यहाँ भी? अल्लाह वाला है इसीलिए उसका बंदा दीवार पे चढ़ा. वैसे भी हम हिंदुस्तानियों पाकिस्तानियों का रिलेशन अगल बगल का हैंगे. मतलब? मतलब हम नक्शे में भी आपके बगल में हैंगे और यहाँ यूके लंदन में भी आप ही के बगल में हैं. मतलब ना वहाँ चैन से रहने देते हैं ना यहाँ रहने देंगे. ऑफ कोर्स है. मोहतरमा क्या बोला हैंगे? तो मिलते हैं सर जी कल. सर जी कल? नो सर जी कल मतलब टुमारो. हमारे जिगर उधर आएंगे लेकिन नजर इधर आएंगे. गलत निगाह करते हैंगे? नहीं नो सर, वी लव ईच अदर सर. खुदा हाफिज़. सो फाइनली यू गेटिंग मैरिड? हां. बड़ी कैंट है. अजीब लग रहा. कोई चॉइस नहीं थी यार. चार साल से इस कंट्री में वर्किंग वीजा पे हूँ. वीजा एक्सपायर होते ही गोरे मुझे वापस भेज देंगे. और मुझे ना इस कंट्री में सेटल होना. इस शादी के अलावा और कोई चारा भी नहीं था. अच्छा वैसे शादी कहाँ हो रही है? मतलब रजिस्ट्रार ऑफिस में हो रही है? नहीं नहीं, मेरे पहले पापा ना पीके पटेल, उनके यहाँ बारात आएगी. और दूसरे पापा ओके पटेल, उनके यहाँ से डोली उठेगी और मेरी दोनों मामी गरबा करेंगी. अनाया लिसन, आई एम सॉरी, यू नो आई डिडंट मीन टू हर्ट यू. तो फिर ऐसी बातें करती क्यों है यार? इट्स गोना बी मी हिम एंड जस्ट द टू ऑफ यू. मम्मी पापा है नहीं, कुग्गी चाचा को बुला नहीं सकता, तो आएगा कौन? ऊपर से नकली शादी में असली मेहमान कहाँ से लाऊं? और काके, तू ना अभी इन मेहमानों को जानता नहीं है. वो ये मेहमान यार एक अजीब टाइप की ब्रीड होते हैं. तू ऐसा समझ ले, मेहमान भगवान की तरह होते हैं. वो इसीलिए तो कहते हैं अतिथि देवो भव. डले ही खोल के बोतल पूछे कुछ नमकीन है. वो चाहे जितनी हद कर दे तू कुछ भी ना कह पाएगा. बन के मदारी तुझको फिर वो डमरू नाच न जाएगा. देसी हो या चाहे विदेशी, आ जाए फिर कैसा रेस्ट. 2020 बोल के भैया खेलेगा वो पूरा टेस्ट. सेज सजाई ख्वाबों की, चाहत ही सनसनी की. वो यार एक बुड्ढे ने एस्केलेटर में ना छाता घुसेड़ दिया. किस गधे ने किया ये? लो आ गया मेहमान. बुड्ढे हुन आ जा. मैनू डर लगता है जी, ये सीढ़ियां फिर से चल पड़नी है. नहीं चलेगी, मैंने छाता घुसेड़ दिया है. आ जा. सर आई एम वार्निंग यू, टेक आउट द अम्ब्रेला. अरे पाए एक मिनट, प्रॉब्लम कितने है, आ जा ना. की सियाबा है, मेरे से नहीं होना. अरे आजा, कुछ नहीं होता. कोठे ते आरा मैया. सर टेक द अम्ब्रेला आउट नाउ. यार कोठे ते आजा. हियर यू मैन. गुड्डी आजा. बट आई डोंट नो दिस मैन. Well, he knows you. He says it's your cha-cha-cha. Sir, ask him to remove the umbrella or I'm calling the police. No, please, please, now. Please, wait. Kothe te amaya, nilai te thalya, nai te kasmanu kha maya. Aja, Gundi, aja. Excuse me, uncle. काके? ए, काके? 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 ये देख, ये तो अपना काका है.
मैं सबके जावा इतना बड़ा हो गया, मैंने तो इतना सा देखा था इसको। क्या देख रहे, तेरी चाची है गुड्डी चाची। क्या के? गुड्डी थोड़ी बुड्ढी हो गई है। गुड्डी चाची। नहीं अंकल, आप कौन और यहाँ कैसे? ओ, नहीं पहचाना? गग गंगा शरण गणदोत्रा गग, नहीं पहचाना? प्रॉब्लम कितने है पुत्र? कुकी चाचा बठिंडा वाला जानता है? हाँ, कुकी चाचा। हाँ, हाँ। कुकी चाचा के पड़ोसी हुआ करते थे। पड़ोसी तो है, पड़ोसी की एक बीवी थी बॉबी, याद आया? बॉबी, अरे गोरी गोरी चिट्टी चिट्टी, मोहल्ले वाले उसको मलाई बोलते, मलाई। और सामने ही धोबी रहता था, करतार सिंह। करतार सिंह गुड्डी नु याद है? और करतार सिंह पुत्र मलाई खा गया, ओ मलाई नु ले उड़ा भागा। हम उसके किराएदार है। हाँ। करतार सिंह के नहीं, मलाई के किराएदार है। कुकी चाचा के पड़ोसी के किराएदार? हूं याद आया, मैंने कहा ना हिंदुस्तानी बंदा कहीं भी चला जाए अपनी जड़े नहीं भूलता। आज 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 ए सबा, दिस इज योर लास्ट चांस, आस्क हिम टू रिमूव द अम्ब्रेला नाउ। अंकल, चाचा जी, छाता आप निकाल लीजिए ना प्लीज। ये ले, उखाड़ दिया। देखा? मुझे थोड़ी अंदर छाता खोलना है। अब मैं ऊपर कैसे आऊंगी? तो ऊपर आके झंडे गाड़ने, हम नीचे आ रहे। ओ, सामान उठा और चल। कहा? घर। घर? हाँ, कुकी ने कहा था लंदन जाओगे तो काके से जरूर मिलना। बोले आ गए हम तो दिल खुश हो गया। आ जा, आ जा, आ जा। और दसो सब ठीक है? अरे लंदन में कोई प्रॉब्लम नहीं ना? अब तक तो नहीं थी। चल जी। कुकी चाचा मेरे साथ ही है, सॉरी आपका फोन नहीं उठा पाया। नहीं, आपके पड़ोसी के किराएदार है तो ख्याल तो रखना ही पड़ेगा। पैर छुए मैंने? नहीं नहीं पुत्र, वो तो भूल गया। गुड्डी पैर दे, पैर दे गुड्डी, दो है ना, एक दे। जी छू लिया। नहीं नहीं, प्रॉब्लम कैसी है? ये कुछ ही दिनों की तो बात है। हाँ जी, मैं कॉल करता हूँ। बेटा इनका जरा पेट ठीक नहीं, तुसी भी ना। कितनी बार कहा है मूली के पराठे हजम नहीं होंगे। और दसो सब ठीक है? महाराज आ गए भाई। काके पुत्र, जगह तो बड़ी सोनी है। काके, तो बगल में कोई ठेका बेका है कि नहीं? ठेका? छड़ो तुसी। अंदर चले ना चाचा जी। काके गल सुन पुत्र। देख बेटा, हम तुझ पे बोझ बनना नहीं चाहते। तू कहता है तो हम किसी होटल में रुक जाते, क्यों गुड्डी? आहो जी। बेटा जी, हम आपको तकलीफ नहीं देना चाहते ना जी। कैसी बात कर रहे चाचा जी, तकलीफ थोड़ी है, गैर थोड़ी, पराये थोड़ी है, ये घर भी तो आप ही का है। जिंदा रहे पुत्र। लेकिन फिर भी अगर आप लोग होटल में रहना चाहते तो मैं कैसे रोक सकता हूँ? कैसे रोक सकता हूँ? चपेट मारूंगा मुंह पे पैन। ओ चाचा चाची, ये तेरे कोई गैर है पराया है, तू हक से रोक सकता है, क्यों गुड्डी? आहो जी। हक बनता है, तू रोक के दिखा और देख हम रुकते है कि नहीं। कोई रोक रोक रुक जाइए चाचा जी, रुक। इतनी सी बात, हम पंजाबियों का दिल दरिया होता है पुत्र। ऐवी बात करते रहते। चल पुत्र, तेरे नाल ही रहेंगे हम, कहीं नहीं जाएंगे। जी आपका बेडरूम है। पुत्र कमरा बड़ा छोटा है। जी अलमारी बड़ी है। यहाँ ऐसे ही होता है। अरे अरे रहन दे बेटा, मैं कर लूंगी, ये सब औरतों के काम होते हैं। वो धुले नहीं गंदे कपड़े, तो धुल जाएंगे ना बाथरूम में। ये कमरे बड़े निक्के निक्के हैं। पलंग बड़े पोले पोले। अरे कुछ नहीं हुआ, सो जा। कमर अकड़ गई।
और सब ठीक? आर्यन! आर्यन! प्रॉब्लम कितना है? आर्यन! आर्यन! अरे आर्यन, तुम मुझे लगा तुम लेट होगी। Not important. There's a man in my bedroom और वो मेरे बेड पे बैठ के जी? तुम्हारी अंकल के नेबर के किराएदार हाँ? पर वो तुम्हारे घर पे क्या कर रहे हैं? अरे होता है ना यार, इंडिया में गेस्ट ऑफ गेस्ट ऐसे ही कभी भी कहीं पे भी आ जाते हैं। पर तुम उनको जानते तक नहीं हो यार। बचपन में देखा है शायद, बट कुकी चाचा जानते हैं। प्लीज ना, मैं कुकी चाचा को अपसेट नहीं करना चाहता। अरे तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं लिविंग रूम में सो जाऊंगा, वो मेरे बेडरूम में सो जाएंगे। अरे सीधे साधे बुजुर्ग लोग हैं, चार पांच दिन लंदन में घूम के चले जाएंगे। तो प्रॉब्लम कितना है गुड्डे? छेड़ो जी, आपको क्या लगता है वो लड़की काके की बीवी है? मैंने लगता है घर में चोर हो सकता है। बिना मुड़े पीछे देख, बिना मुड़े देखा काके को आवाज दो। काके को की करना है, मैं हूँ ना। अल्लाह रहम करे, दूर जा रहे हैं, खामोश रहो, चिल्ला चिल्ला कर खुहार कर रही है। भाईजान हट जाओ, आपस का मामला है। अरे आप पर दम मामला क्या है? पड़ोसी के घर में चोर। अरे चोर गुस्से का घुस के बता। एक दरवाजा और है, लेकिन मेरे पास एक दीवार और है। अरे तेरी तो अल्लाह मदद, अब जो मदद हम भी मदद। ये कौन है? लोरे नगर जीरो फिगर हमारी बीवी हैंगी। हाँ? इतनी हसीन तेरी बीवी है, साले बीवी भी चुराता। नहीं 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 चाचा जी फिकर न कर, हम संभाल लेंगे, फिकर न सब संभाल लेंगे। सीज फायर खुदा के वास्ते रहम कर, रास्ते रहम करिए। हम इनके पड़ोसी हैंगे। पड़ोसी है? नेबर, सामने वाले घर। नेबर? वो तो पड़ोसी है। हैंगे? फिर भी चोरी से घुसता है, पाकिस्तानी है। हाँ, आपको कैसा मालूम? हरकतों से पता चल गया। चल आजा, अंदर आजा, चाय शाय पीते आजा। नहीं नहीं, हिंदुस्तानी पहले मारते हैंगे, बाद में मरहम लगाते। अरे छुआ आजा, आजा पड़ोसी है, पड़ोसी आजा। और सब ठीक? और ये कौन है? नेम? हारून हबीबुला। We call him Harry. No Harry, हारून। हारून तो अल्लाह का नाम है, मैं तो इसे हारून ही बुलाऊंगी। आप दोनों जनाब कौन हैंगे? ये मेरे चाचा चाची इंडिया से आए हैं। अंकल आंटी इंडिया। दावत निकाह में आए होंगे। किसकी दावत? किसका निकाह? इन दोनों का निकाह। तो बड़ी गलत बात है बेटा गुड्डी, ये दोनों शादी करने जा रहे हैं और ये बात हमको पाकिस्तानी घुसपैठिया बता रहे। मतलब इन्हें इल्मे निकाह नहीं हैंगे? किल्मे? हमारी शादी के बारे में बताया कि नहीं बताया? इनको क्यों बताना है? अभी अभी मतलब सरप्राइज देना चाहते थे चाचा जी। चाचा चाची, हम दोनों 10 दिन में शादी कर रहे हैं। कुगिनु पता है? नहीं। है? हाँ, पर वो आ नहीं सकते ना। आ, हाँ, ऑपरेशन है। हाँ। किस चीज का ऑपरेशन है? कोई बात नहीं, हम लोग तो आ गए। कितनी सोनी कुड़ी है। ए जी आशीर्वाद तो दो। मुझे आशीर्वाद नहीं दे सकता। क्यों? उसे कहो कपड़े पा के आए। चाचा जी पहने तो है? पूरे कपड़े पा के आए काके, निक्के निक्के कपड़े में सज्जे खब्बे हो जाता है आशीर्वाद, इधर उधर बिखर जाता है। हाँ, वो वाली ड्रेस ना एक बार पहन के आ जाओ ना, वो पूरे कपड़े थे उसमें। आशीर्वाद वाली ड्रेस है पूरी चाचा जी। बस अभी आ रही चाचा जी। गुड्डी
ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹ ਛਾਇ ਬਣਾ। ਮੈਂ ਕਬ ਸੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੇਖ ਭਾਈ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਾਪ ਬੇਟੇ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਸਮਝ ਗਿਆ ਜੀ। ਅਭੀ ਚਾਹ ਬਨਾਤੀ ਔਰ ਕੁਛ ਮਿੱਠਾ ਵੀ ਲਾਤੀ ਹੂੰ। ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਬਨ ਸਕਤੀ। ਕਿਉਂ? ਵੋ ਚਾਚਾ ਜੀ ਦੂਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਓਏ ਗੁੱਡੀ, ਉਹ ਬਗਲ ਵਾਲੇ ਪੜੋਸੀ ਤੋਂ ਦੂਧ ਲੈ ਕਰ। ਚੀਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਮਾਲ ਕਰਤਾ ਹੈ ਯਾਰ। ਓਏ ਤੇਰੇ ਕੋਈ ਪੜੋਸੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਜੋ ਪਹਿਨਤੀ ਮੈਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਵਹੀ ਪਹਿਨੂੰਗੀ। ਅਰੇ ਨਾਇਬ ਨਾਇਬ, ਅੱਛਾ ਤੋ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸਮੇ ਕੋਈ ਬੁਰਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਟ ਦੇ ਆਰ ਓਲਡ ਫੈਸ਼ਨ ਪੀਪਲ ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਮੈਂ ਬਹੂਏ ਬੜੋ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਐਸੇ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨਤੀ। ਹੂ ਬਹੂ ਕਿਸਕੀ ਬਹੂ? ਸ਼ਾਦੀ ਕੋ ਤੁਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਮਤ ਲੋ ਕੇ। ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਲੈ ਰਹਾ ਹੂੰ, ਮੈਨੇ ਤੋ ਚਾਚਾ ਚਾਚੀ ਕੋ ਬਤਾਇਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਥਾ, ਵੋ ਉਸ ਹਬੀਬੀ ਨੇ ਬੋਲਾ। ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਸੇ ਅੱਛਾ ਹੀ ਹੁਆ, ਅਬ ਚਾਚਾ ਚਾਚੀ ਕੇ ਚੱਕਰ ਮੇਂ ਸਬਕੋ ਲੱਗ ਰਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਮ ਰੀਅਲ ਮੈਰਿਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਂ। ਥੋੜੀ ਤੋ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਪੜੇਗੀ। ਥੋੜੀ ਐਕਟਿੰਗ? ਇਹ ਥੋੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਟਿੰਗ ਹੈ, ਇਹ ਓਵਰ ਐਕਟਿੰਗ ਹੈ ਆਰੀਅਨ। ਕੁਛ ਤੋ ਢੱਕ ਲੋ ਯਾਰ। ਵਾਟਸ ਰੋਂਗ ਵਿਦ ਯੂ? ਨੀਚੇ ਸਾਰੇ ਗੈਸਟ ਆਏ ਹੈਂ। ਸਾਰੇ? ਚਾਚਾ ਜੀ ਨੇ ਚਾਚੀ ਜੀ ਨੇ ਚਾਰ ਛੇ ਲੋਕੋ ਕੋ ਚਾਹੇ ਪੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਸਾਰੇ ਨੇ ਬਸ। ਦੇਖ ਇਤਨੀ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੈਂ? ਆਇਂਦਾ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨ ਕੇ ਆਏ ਤਾਂ ਚਾਚਾ ਜੀ ਘਰ ਛੋੜ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਏਂਗੇ। ਪ੍ਰੋਮਿਸ? ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀ ਹੈ? ਐਸੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨੇਗੀ। ਹਾਂ ਇਹ ਆਜਾ ਆਜਾ ਆਜਾ, ਸੁਖੀ ਰਹਿ ਸੁਖੀ। ਓਏ ਗੁੱਡੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ, ਇਹ ਲੋ ਮਿਊਨਸਿਪਾਲਿਟੀ ਕੇ ਨਲ ਸੇ ਪਾਣੀ ਆਏ ਨਾ ਆਏ ਇਨਕੀ ਆਂਖੋਂ ਦੇ ਬਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ। ਕਭੀ ਕਭੀ ਤੋ ਮੌਲੇ ਵਾਲੇ ਬਾਲਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਤੇ, ਥੋੜਾ ਔਰ ਰੋ ਦੀਜੀਏ ਗੁੱਡੀ ਜੀ, ਕੱਪੜੇ ਧੋਣੇ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਓ ਜੀ। ਆ ਜਾ ਆ ਜਾ ਬੇਟਾ ਆ ਜਾ, ਸਭ ਕੇ ਪੈਰ ਛੋਏ ਹਮਾਰੇ ਮਹਿਤਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਛੋ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਬੇਟਾ, ਬਜ਼ੁਰਗੋਂ ਕੇ ਪਾਸ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਕਮ ਹੋਤਾ ਹੈ। ਖੁਸ਼ ਰਹੋ ਬੇਟਾ, ਜੀਤੇ ਰਹੋ। ਹਾਂ, ਔਰ ਆਪ? ਮਾਈਸੈਲਫ ਬੋਨੀ ਸਿੰਘ ਐਂਡ ਥਿਸ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਵਾਈਫ ਪੋਨੀ ਸਿੰਘ। ਇਹ ਪੋਨੀ ਬੋਨੀ ਕਾ ਪੈਕਟ ਡੀਲ ਹੈ, ਉਹ ਲੈ ਲਓ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਲੈ ਲਓ। ਜਿਨ ਜਿਨ ਕੇ ਪਾਸ ਪੈਰ ਹੈ ਸਭ ਕੇ ਛੁਲੋ ਔਰ ਜਿਨ ਕੇ ਪਾਸ ਹੱਥ ਹੈ ਸਭ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਦੋ, ਫਟਾਫਟ ਫਟਾਫਟ। ਦਸ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਮੁੰਡੇ ਕੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਸਭ ਕੋ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਮੈਰਿਜ ਪਾਰਟੀ ਆਫਟਰ 10 ਡੇਜ਼, ਮੈਰਿਜ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਕਮ ਐਂਡ ਪਾਰਟੀ ਹੈਵਿੰਗ। ਲੋ ਜੀ ਪਿੰਨੀਆਂ ਖਾਓ। ਅਰੇ ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਅਰੇ ਪੰਜਾਬ ਕੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆ ਗਈ ਸਾਹਿਬ ਘਰ ਪੇ ਆਜ। ਥਿਸ ਇਜ਼ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥੋਂ ਸੇ ਬਣਾਈ ਹੈ ਸਾਹਿਬ। ਆਪ ਕੀ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਬੜਿਆ ਜਮੇਗੀ। ਅਰੇ ਮਹਿਤਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਮਾਨੇ ਕੇ ਲੀਏ ਤੋ ਜਾਮ ਸ਼ਾਮ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਏ। ਹਾਂ ਇਹ ਬਾਤ ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਪੋਨੀ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਬੜਾ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬਟਿੰਡਾ ਪਸੰਦ ਹੈ ਚਾਚਾ ਜੀ। ਪਟਿਆਲਾ ਪੈਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਬਟਿੰਡਾ ਬੋਟਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਓਏ ਗੁੱਡੀ, ਉਹ ਉੱਪਰ ਸੇ ਡਿਊਟੀ ਫ੍ਰੀ ਵਾਲੀ ਬੋਟਲ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਉਹ ਕਾਕੇ ਕੋ ਗਲਾਸ ਫਲਾਸ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾ। ਔਰ ਬੇਟੀ ਸੁਣ, ਹਰੀ ਕਕੜੀ, ਸਫੇਦ ਮੂਲੀ, ਲਾਲ ਟਮਾਟਰ, ਗਾਜਰ, ਸਭ ਕੋ ਕਾਟ ਛਾੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਔਰ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ? ਪਾਪੜ ਵੀ। ਪਾਪੜ ਪਨੀਰ ਵੀ? ਹਾਂ ਪਾਪੜ ਪਨੀਰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਨਮਕੀਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਗਏ ਚਾਚਾ ਜੀ? ਨਮਕੀਨ ਤਾਂ ਲੱਗੇਗਾ ਨਾ, ਖੋਤੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਨਮਕੀਨ ਕੇ ਬਗੈਰ ਸ਼ਰਾਬ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਚੱਲ ਕੇ ਆ ਜਾ। ਔਰ ਓਏ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਕਸ਼ਮੀਰ। ਆਜਕਲ ਯੂਕੇ ਕੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸ਼ੈਮ ਮੈਰਿਜਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਚਾਚਾ ਜੀ ਕੇ ਆ ਜਾਣੇ ਸੇ ਉਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕੌਪ ਕੋ ਯਕੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਮ ਲੋਕ ਰੀਅਲ ਮੈਰਿਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਨਫੈਕਟ ਮੁਝੇ ਤੋ ਲਗਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਮੇ ਨਾ ਸ਼ਾਦੀ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹੇ ਯਹੀ ਰੋਕ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਏ। ਓਏ ਆਪਣੇ ਬੌਸ ਕਾਲੀਏ ਕੋ ਤੋ ਤੂੰ ਝੇਲ ਹੀ ਲੇਤਾ। ਓ ਯਾਰ ਉਸਸੇ ਤੋ ਅੱਛੇ ਹੀ ਹੈ। ਮਿਸ ਮੀ ਗਾਇਸ, ਹਾਈ, ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਏ? ਹਾਊ ਆਰ ਯੂ ਡੂਇੰਗ ਲੂਈ? ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਫਰਮ ਚਾਈਨਾ ਕੇ। ਮਿਸਟਰ ਬਿਗ ਟੀ ਗਾਇਸ, ਬਿਗ ਟੀ, ਬਿਗ ਥੈਂਕਸ। ਯੂ ਨੋ ਟੁਡੇ ਇਜ਼ ਅ ਬਿਗ ਡੇ ਫਾਰ ਐਸਡੀ ਸੌਫਟ ਡੌਗਸ। ਯੂ ਨੋ ਵਾਈ? ਇਟਸ ਬਿਕੋਜ਼ ਵੀ ਗਾਟ ਦ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਫਰਮ ਚਾਈਨਾ। ਐਂਡ ਆਰਿਅਨ, you have to be ready with the presentation. Thank you so much, sir. You know, if you want to be an L, then you have to be like K. Only then you can be a C. Sir, L for? London. And K for? Kangaroo. Kalia. And of course, C is? True. Champion. Champion. Congratulations, A. I heard you're getting married to a
B-I-B, British Indian babe. Yes, sir. Very good. It will give you a lifelong stay in UK. United Kingdom. You're getting it. Hello? 7,000 pounds kam nahi hote? Sherry is right. You need to buy the house. Aur kab tak apni taxi mein soyegi? Mmm. Wow. Amazing. Guys, this is IPG. Indian Punjabi Gobi. ये गोभी चाची जी ने बनाई है? नहीं सर, ये चाचा जी ने बनाया. Too good यार, too good. Stop eating, stop eating. I want to know one thing. कि कोई आदमी इतनी अच्छी गोभी कैसे बना सकता है? सच्ची? हाँ? ये पकड़. अरे ये आदमी है या क्या है? अतिथि है सर. Very good. फिर इस अतिथि को हमारा अतिथि भी बनाओ. आई वुड लव टू मीट दिस चमत्कारी अतिथि. बॉस, ये जो तेरा अतिथि है ना, तेरे बहुत काम आने वाला. अच्छा भी लग रहा है या ऐसे ही खाए जा रहे हो? चाची जी बहुत टेस्टी बना है, क्यों आ रहे हो? अरे बहुत अच्छा है, मैं तो कहता हूँ तुम भी चाची सर को सीख लो. ले, मैं कोई मास्टर दी शेफ? हाँ. अरे चाची जी आप तो उससे भी बेटर हो, लेकिन फिर उसके लिए आपको हमारे पास कुछ दिन और रुकना पड़ेगा ना. अरे बट चाचा चाची कहाँ जा रहे हैं भाई? हम मेहमान हैं, कब तक रहेंगे? चाची जी आपने सीरियसली अपने आप को मेहमान कहा? चाचा जी देखिए चाची जी कैसी बातें कर रही है. बराबर बोल रही है. नहीं, बेटा अगर आप लोग चले गए तो हमारी शादी में भांगड़ा कौन करेगा? ओए पुत्र, अभी चाचा जी आपके बेटे की शादी हो रही थी तो आप नहीं रुकते? काके दिल जीत लिया तुमने. देख म्युनिसिपालिटी के नल में पानी आए ना आए, इनकी आंखों से गंगा जमना शुरू हो जाता है. कभी कभी तो मोहल्ले वाले बाल्टी लेके आ जाते हैं कि थोड़ा और रो दीजिए, कपड़े धोने बाकी. बस करो जी. अरे शादी का बेटा, तेरे पूरे घर को सेट करके जाएगा. तो भाई मेरा तो हो गया. बार 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 ये रात को राजमा इतना हजम नहीं होता है. इनका जरा पेट खराब रहता है. अरे इट्स ओके चाची जी, इट्स नेचुरल. गैस गैस वायु. देखा है, लंदन में रह के भी संस्कार नहीं बदले हैं. अरे बुजुर्गों की बात तो बच्चों के लिए आशीर्वाद समान होती है. तो मोहल्ले में बांट के आता. Oh, I'm sorry, Anaya. मेरे चाचा चाची की वजह से तुम्हें. I hate the way you take off your shoes. Sorry, मैं ध्यान रखूंगा. I hate the way you tie your pajamas. Sorry, हाँ. And I hate the way you sleep. यहाँ नहीं सोगे तुम. तो? पर बेडरूम में. क्या क्या चाचा चाची क्या सोचेंगे? कुछ दिनों में हमारी शादी और हम ऐसे सोते हैं, थोड़ी तो एक्टिंग करनी पड़ेगी ना. मैं भी यही सोच रहा था, फिर सोचा कि तुम क्या सोचोगी, तो सोचा कि सोचने का क्या फायदा. मतलब बनाया और मैं एक ही बेडरूम में, एक ही बेड में. चाची, I love you too much. चाचा जी आप? हाँ मैं. अनाया कहाँ है? तेरे चाचा जी ना जरा ओल्ड फैशन दे. शादी से पहले लड़का लड़की एक कमरे में सोए, उनको जरा और जल लगता है. अच्छा, और लड़की और लड़के की चाची एक कमरे में सो सकते हैं? हाँ बिल्कुल सो सकते हैं. पता है शादी के बाद 4 साल तक मैं अपने सास के साथ सोती थी और ये अपने बाबूजी के साथ. ये सही है.
छो सब ठीक? नींद नहीं आ रही। क्या कर रही हूँ चाची जी? बेटा तेरे पैर को अपने पैर से बांध रही हूँ। क्यों? मुझे ना नींद में चलने की आदत, अब जे मैं चली तो तू मुझे रोक लेगी। चाचा जी का आइडिया है, चंगा है ना? अब सो जा, सो जा। मैं कहती थी आएगा। मैं कहती थी आएगा। पूछे कुछ नमकीन है वो, चाहे जितनी हद कर दे तू कुछ भी ना कह पाएगा। बन के मदारी तुझको फिर वो टमरू नाच न जाएगा। देसी हो या चाहे विदेशी, आ जाए फिर कैसा रेस्ट, 2020 बोल के भैया खेलेगा वो पूरा टेस्ट। सेज सजाई ख्वाबों की मच्छरदानी लगा गया, चाहत थी एक सनसनी की वो भी थमा गया। सजाई ख्वाबों की मच्छरदानी लगा गया, चाहत थी एक सनसनी की इसकी नजर उतारती हूँ। पकड़ ले। आजा, दो मिनट लगेंगे। आजा प्लीज, मुझे सच में बहुत लेट हो रहा है, प्लीज समझिए ना। बेटा अभी टाइम नहीं लगेगा, बस दो मिनट। ये क्या कर रहे हो आप? नजर उतार रही हूँ इसकी। सीधा पकड़, अच्छे से पकड़। अरे बाबा, अरे बाबा, हो गया हो गया हो गया, बस हो गया। ओ गॉड, ओ गॉड, क्या हुआ? ओ गॉड, इसने मेरे ऊपर सुसु कर दिया। सुसु नहीं बेटा, पॉटी की है। पॉटी नहीं सुसु की है, सामने देखिए। सामने नहीं बेटा, पीछे देख, पॉटी की है। आपको पता था ये पॉटी करने वाला है? और नहीं तो की, इसलिए तो नजर उतारी। कोई नहीं बेटा, ला देख तू, अभी जल्दी मम्मी बन जाएगी। इसे मुझे दे दे। आ जा बच्चा, आ जा, आ जा। हमारे इंडिया में बच्चों को भगवान का रूप माना जाता है और उनकी सुसु प्रसाद मानी जाती है, तो ना आशीर्वाद की तरह लो और खाओ। अच्छा, तुम ही खाओ ये आशीर्वाद और प्रसाद, मुझे नहीं चाहिए। उस बच्चे से जान मुझ के मेरे ऊपर सुसु करवाया। He showed all over my brand new dress. I'm still stinking. तुम्हारा बच्चा जब तुम पे सुसु करेगा तब क्या करोगी? मेरे ऊपर क्यों? तुम करवाना अपने ऊपर। बच्चों को संभालना माँ का काम होता है। What about बाप? वो क्या करेगा? बाप बच्चों की पिटाई करेगा। Hey, don't you dare hit my kids. पीटूंगा, नंगा करके पीटूंगा, रोक के दिखाना। तुम हाथ तो लगा के दिखाओ उनको। हटा। बच्चा कहाँ से आ गया बीच में? तुम लोगों की फेक मैरिज हो रही है, रियल मैरिज नहीं हो रही है। इसको बार बार कौन लाता है? ओ देख यार, आ रहे यार, तुम दोनों ऐसे असली में लड़ते रहोगे ना, असली शादी करानी पड़ जाएगी तुम्हें।
तीन दिन बचे हैं, होल्ड योर हॉर्सेस प्लीज. I'm sorry. It's okay. I'm sorry too. तो फिर दो दिन बाद मिलते हैं रजिस्ट्री ऑफिस में. मम्मी साउंड्स गुड बट शादी रजिस्ट्रार ऑफिस में नहीं, गुरुद्वारे में होगी. साथ चाचा चाची चाहते हैं. तेरे चाचा चाची की तो मैं शादी करके बहुत बड़ी गलती कर बहुत बड़ी गलती. नहीं नहीं नहीं, he's absolutely right. Marriage is a waste of time and money. क्या बात कही आज. आज झप्पी पल झप्पी पल झप्पी पल झप्पी पल. भाई साहब अब लड़के वालों की तरफ से और लड़की वालों की तरफ. नहीं मेरे बॉस है चाचा जी. बॉस 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 बॉस. भाई साहब क्या बात कही. तूने बहुत बड़ी गलती कर दी शादी कर. शादी नहीं करनी चाहिए. अच्छा
ये सब ना मैंने सजाया। जच रहा है? पता है जब मेरी शादी हुई थी पलंग भी नहीं था, मंजी थी। मंजी समझती है? खटिया खट कॉट कॉट या हाँ, तो इनके बैठते ही वो टूट गई। हो तो सारी रात जमीन पे बैठ के ही बातें करते रहे। बेटा, साथ ना रहने के बहुत सारे बहाने बन जाते हैं, पर साथ रहने का बस एक बहाना बहुत है। पता है क्या? ओए पुत्र, तू क्या अंग्रेजों की तरह पी रहा है? अरे पंजाबियों की तरह पी। चल बम चक दे। बेटा साहब, बम चक दे मींस बॉटम अप बोल रहेंगे ये। राइट चाचा जी। ओ आज हम सब ओ बम चक्के पियेंगे। 1 2 3 पसूड़ी पै गई। काके ने शादी करके गलती कर दी। I agree. एक बात बताओ भाई, वो तुसी टेंट वाले हो कि बैंड वाले वाले? अरे ये आर्यन की बॉस है ना, बॉस। अरे मैनू सब पता है कौन क्या है। वो तुझे क्या लगता है मैनू चढ़ गई है? हैं? मैनू चढ़ गई है? अरे चढ़ गई है। चाचा जी, ये जबरदस्ती भारी सो जाता। वो होना चाहिए था नीचे, बहुत बॉटम्स अप वगैरह बहुत। सब अच्छा है। हाँ अरे असली है, सब सब सच है। हाँ शादी भी सच थी, तुम भी सच। अरे यार क्या सच? बातें सच, अरे होठ सच, तुम एक ही पूरी सच। पर सच सच बात तो एक पता ही नहीं कि सच क्या है। सच बोलू तो मुझे भी नहीं पता कि सच में सच क्या है, क्योंकि सच तो कुछ है ही नहीं। एक सच के तो मुझे बहुत अच्छी लगती है, सच्ची लगती है। काश ये रिश्ता सच्चा होता, इतना अच्छा होता। गुड मॉर्निंग काके। गुड्डी, काका उठ गया। काका को चाय दे और मुझे नाश्ता दे। हाँ जी, अभी लाई। खुशबू बड़ी अच्छी आ रही है। पता है किसकी है? चाची जी ने खीर बनाई है। खीर तो बनी है पुत्र, पर मैं नहीं बनाई। मुझे बनानी नहीं आती, चाची जी ने सिखाई है, तो अगर खराब बनी है तो पहले से सॉरी। बहुत अच्छी बनी है। क्या बनाया? एक खीर है?
अमृत है, अमृत बना है। ए भी डरा दिया बच्ची को। श्रेणी घोड़ा मम्मी की याद आ गई। आजा 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 पुत्र, इतने आजा जा बेटा जा। चाचा जी। अरे नहीं बेटा, जब बहू पहली बार किचन में जाती और बिना जलाए खाना बनाती है तो शगुन देते हैं, ठीक है? चाचा जी यहाँ नोट नहीं पाउंड चलते हैं। चुप रहे पाउंड के पुत्र, ये शगुन है, ये सब जगह चलता है। तो गुड्डी को सोने का क्या करना है? हाँ, उसका सोने का टाइम हो गया। तुझे ही खाओ जी। मैं लेकर आ। सारी नहीं खत्म कर दी। ये घर अब तेरा हुआ और तेरा भाग इस घर। ब्रिज को क्या कहते हैं? लंदन ब्रिज। मुझे भी यही लगता था, फिर पता चला जिसे हम लंदन ब्रिज समझते हैं वो एक्चुअली टावर ब्रिज है। मामा पापा के डिवोर्स के बाद पापा ने मुझे मामा के पास छोड़ दिया और दूसरी शादी कर ली। मामा ने भी दूसरी शादी कर ली, लेकिन वो मुझे किसी के पास छोड़ नहीं सकती थी तो यूं ही छोड़ दिया। I was 17. तब से 6 सालों में रेस्टोरेंट में काम किया, पढ़ाई करी, टैक्सी चलाई और फिर तुम मिले, पैसे लेके शादी करो और छोड़ दो। मुझे लगा था छोड़ देना ही लाइफ है। तुम्हारे साथ रहते रहते पता चला कि साथ रहना जिंदगी है। क्या हम हमेशा साथ नहीं रह सकते? तेरे बिना तड़पे ये, तेरे संग धड़के ये, ये प्रेजेंटेशन तुम्हारे लिए ही नहीं, सॉफ्ट डॉग्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। लो भाई,
I don't want any D's, any C's, or any M's. No disturbances, no calls, and... And no meetings. अरे पुत्र में घर पे बैठे बैठे बोर हो रहा था तो सोचा ऑफिस में आके कालिए साहब के साथ थोड़ी गपशप कर लूं और दसो तो ठीक है एवरीथिंग्स फाइन चाचा जी गाइस गाइस दिस इज चाचा जी या अ वंडरफुल मैन फुल ऑफ ह्यूमर फुल ऑफ कल्चर टुमारो इन द ऑफिस पार्टी चाचा जी इज गोइंग टू बी आवर SG, our special guest. चाचा जी पार्टी में आपको आना है हाँ जी आएंगे आएंगे जरूर आएंगे जी और कालिया साहब बड़ा चंगा ऑफिस बनाया है दबा दबा के खर्चा किया है After all, कंपनी का ऑफिस है चाचा जी किस कंपनी का है जी जिस कंपनी में हम काम करते हैं SD सॉफ्ट डॉग्स सॉफ्ट डॉग पोला कुत्ता भोगता नहीं है खाली चाटता है पोला कुत्ता पोला कुत्ता जी चाचा जी ये मेरी टीम है हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं बड़ी बड़ी टीम है कालिया साहब बहुत काम करते हैं ये लोग आप क्या करते हैं चाचा जी आई एम द बॉस हाँ काम क्या करते हैं चाचा जी मैं बॉस हूँ अरे बॉस दी मादी सिरी कालिया साहब काम दसो काम अरे बॉस का काम बॉस वी आर गेटिंग लेट फॉर द प्रेजेंटेशन वी शुड गो चाचा जी मैं थोड़ा जल्दी में हूँ हाँ तो प्रॉब्लम कितने मैं फुर्सत में हूँ पुत्र जाके ओके Louis, yes, sir. Please take care of Chacha Ji. He's special, just like you. Okay, Chacha Ji, see you. Yeah. Chinese? Yeah, China. Whore, daso? Sab theek hai? Whore? You call me a whore. Whore. You are the whore. No, first you whore daso, baad mein main whore daso. I'm not a whore, 你在说什么啊你? 太过分了,我是女孩子耶,你 不可以这样啊,太过分了 कमाल है, पानी तक नहीं बुझा चलेगी कनेक्शन लगाना है क्यों पे I am really pissed. Sir, try and understand. What do you mean understand? This is bad work. Sir. Kalia sahab, wo sab theek hai? Of course, sir. Sab theek hai. Tujhe paani pilo. Paani pilo, thande ho jao. Yes, yes. Hey, you have to understand. The company is called Soft Dogs. Don't be a soft dog. All right? K is L and L is K. Could someone explain? क्या हुआ? सर ये डिस्पेंसर तो शॉक मार रहा था आपने सिर्फ पानी क्यों निकाला है इसीलिए तो इसका कनेक्शन निकाला हुआ था किस गधे ने कनेक्शन लगाया किस गधे ने काके तुम मर गए ना सो रहे हो ना सोने दे रहे हो 12 बज गए बहुत बड़ी गलती हो गई है गुड्डी पाप हो गया बॉस जैसे चंगे बंदे कब मैं तंदूरी चिकन बनाती हूँ जब तक मैं बॉस तुम सॉरी नहीं कहता मेरी नींद नहीं आएगी देखो जी आपने जानबूझ के तो नहीं किया ना हाँ लेकिन गलती तो हो गई है ना कनेक्शन लगा था ना बॉस का भरता हो जाता नहीं नहीं मैंने नींद नहीं आएगी तो क्या आधी रात को जाके सॉरी बोलोगे आधी रात को जाके मैं पूरा सॉरी बोल के आना थोड़ा दिमाग खराब हो गया सवेरा नहीं होना है तब जाके बोलना सॉरी गुड्डी ये हुई ना गल अरे तू बड़ी ट्यूबलाइट है कल बॉस ने मैनू पार्टी विच बुलाया है स्पेशल गेस्ट तो पार्टी में जाके स्पेशली टाइम लेके लंबा सा सॉरी बोल को
Please, come. You're already late. please, go. Rush, take care of the guests, yes? Oh, Mr. Kalyan. कैसे आप? सुना था आपको कल ऑफिस में शॉक बहुत बड़ा लगा. Hello. नहीं, वो कोई गधे का बच्चा है. उसने ना वो कनेक्शन वो मेरे को मिल गया ना तो मैं उसको छोड़ूंगा नहीं. Won't leave him. साहब, कालिया साहब. चाचा जी. Welcome. This is for you. Oh, thank you. Oh, जी, thank you नहीं कालिया महाराज. तुसी माफी दे दो. I'm sorry. I'm very very sorry, कालिया. अरे चाचा जी किस बात के लिए? वो हम लेट हो गए ना आने में इसलिए चाचा जी सॉरी कह रहे हैं. इसलिए चाचा जी is feeling very guilty. बहुत guilty. Amazing चाचा जी, amazing. Ladies and gentlemen, this is Chacha Ji from India. Amazing man, full of culture. In fact, he is Indian. अजी वो सब ठीक है. सब ठीक है लेकिन मैं माफ कर दो. मैं बहुत शर्मिंदा हूँ. I'm really sorry. Okay, चाचा जी okay कर दिया, माफ कर दिया. खुश happy. अरे आर्यन एक काम करो ना, चाचा जी को ड्रिंक पिलाओ. हाँ प्लीज टेक केयर ऑफ देम. आई विल सी यू इन अ बिट. हां मैं कोई काम. अरे बहुत गलत तो सुनो. माफ कर दिया ना बॉस जी ने, अब तो हैप्पी. बॉस ने माफ कर दिया लेकिन किस बात के लिए माफ किया बॉस को पता नहीं है ना. नाइस ड्रेस. थैंक यू. वेल यू कैन थैंक मी इन अ बेटर वे. आई डोंट अंडरस्टैंड. यू आर ओल्ड इनफ टू अंडरस्टैंड. चाचा जी कुछ चाहिए? माफी चाहिए जी. I'm sorry boss. I'm really sorry. दे दी चाचा जी, दे दी. नहीं जी बॉस समझे नहीं आप. I'm sorry. चाचा जी मैंने आपको माफ कर दिया, आप प्लीज जाके पार्टी एंजॉय करिए. आप समझे नहीं हो जी, मैं माफ कर दो. मैं सॉरी. चाचा जी मैं समझ गया, आप मुझे माफ करो. नहीं, आप मुझे माफ, मैं आपको माफ. चाचा जी समझने की कोशिश करिए, मैं लुई से बात कर रहा हूँ. लुई तो गई है जी, तो आप भी जाइए, मुझे माफ करिए. I'm sorry, क्या दिमाग खराब कर रखा है. बेवकूफ इंडियन. आता है मील पीने के बाद पेशाब बड़ा जोरों से आता है. तुझे लगे वो बहुत रोको नहीं, बहने तो बहने. जब पेशाब रोकने से पथरी हो जाती है. चाचा जी आप मेरे पीछे क्यों पड़े हो, प्लीज आप मुझे माफ कर. माफी तो आपको मुझे देनी. अच्छा मुझे कल की बात के लिए मैं बहुत ही शर्मिंदा हूँ. आप मुझे माफ. अरे पर चाचा जी आपने ऐसा क्या किया जो मैं आपको माफ कर दूँ? गलती की है कल जब आपने ऑफिस में पानी की मशीन की टूटी. एक मिनट कालिया साहब, पेंट पे गिरा पानी और फिसली हुई जवानी बड़ा बदनाम करती है, समझे? Uh-oh. I'm so sorry. Oh, you're dry cleaning kar rahe. Enjoy yourself. No, Marsh, that's not what it is. Kya kar rahe chacha ji? Marsh, this is not what it is. Arre, bahut pant ke liye. Aryan, I need to speak to you. Yes, boss. Ye na tum apne chacha ji ko sambhalo. I am sorry. बोल के ना मेरा दिमाग खराब कर रखा है. पीछे पड़ गए, पागल कर देंगे यार मेरे को. I am very sorry sir. Very sorry sir. No, sorry, no, please. Yes, sorry. मैं भी sorry. अरे please अब मेरे को ना कोई I am sorry नहीं बोलेगा, समझ में आया? कोई नहीं बोलेगा. okay. और ये चाचा जी को संभालो. जी ओके okay, जी. I am sorry. और जी मैं दिल से sorry हूँ. Really sorry. चाचा जी बहुत शर्मिंदा हूँ जी. मैंने क्या बिगड़ा? सॉरी कोई जम्मा. सॉरी ओ बॉस. तुसी किधर जा रहे हो? कैसी आप पा रखा है? क्या करना चाहते हो आप? अरे गलती हो गई है गुड्डी, माफी तो मांगनी चाहिए ना. चाचा जी आपसे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है. गलती हुई है पुत्र, मशीन का कनेक्शन मैंने लगाया. धीरे बोलिए चाचा जी, कोई सुन लेगा. प्लीज. हाय केविन. हाय केविन. मीट माय वाइफ. हाय. हाय. प्लेजर. माय चाची. Hi. Hello, Ji. And my chacha. Chaba!
Louis, listen to me. Louis, listen. Why are you going? Come on. Please, I'm really uncomfortable. Okay, kiss me. Come on. Stop it, please. Kiss me. Please, stop it. I'm sorry. आपको कहा ना मैंने आपको माफ कर दिया प्लीज गेट लॉस्ट बॉस ये पहली बार वाला सॉरी नहीं है इस बार वाला आई जी इस बार के लिए इसलिए क्योंकि ये आप जो कर रहे हैं ना इस लड़की के साथ गलत है वो मैं होने नहीं दूंगा इसके लिए सॉरी आप मुझे समझाएंगे तेरी सॉरी की ऐसी की तैसी हटो जी की होया जी तुसी ठीक तो हो ना की होया तुसी ठीक हो ना कुछ नहीं पैर फिसल गया था बुड्ढी पैर फिसल गया था हरियाण इस कैसे पैर फिसल गया व्हाट हैपेंड के ऑल गुड अरे लेके जाओ इस बुड्ढे को औकात है नहीं फोकट में दारू पी के लड़की चेड़ रहा था बदतमीज इंसान हाय रब्बा क्या बात कर रहे हैं आप मुझे चलो जी तू सी यार इधर नहीं रहना है गुड्डे गल सुन गल सुन लिया आप मेरी बात कर रहा काली महाराज तुसी वड्डे आदमी हो ऐसे छोटे गल ना कर शोभा नहीं देता लड़की थोड़े ऑफिस विच काम करती है तो बाप की जायदाद समझता है जबरदस्ती करे उसी मर्द है तो कुड़ी नु पटा के दिखाना और जबरदस्ती करेगा तो देश का नाम खराब होता है लड़के की इज्जत खराब होती है और ये तो चाइना की है जल्दी खराब हो जाएगी प्यार नाल कर जबरदस्ती ला कर बल से किया हुआ काम बलात्कार होता है और बलात्कार तो मैं तेन करने नहीं दूंगा बकवास कर रहा है ये आदमी He's lying. चलो हो गया ना सॉरी सॉरी बोल दिया चलो तू सिया से बस एक एक मिनट रुक गए ओए बॉस आखिरी बार सॉरी वो भी पहली बार के लिए इस बार के लिए नहीं तेरी ऑफिस में पानी के मशीन का कनेक्शन मैंने लगाया तो तंदूरी चिकन मैंने बनाया इसलिए मैं माफी मांगना है कि तेरी हरकत देख के लगता है तू माफी के काबिल ही नहीं इसलिए जितने सॉरी थे वो सब मैं वापस ले लेता ठीक है यू बास्टर्ड रिलैक्स के रिलैक्स आर्यन रिलैक्स आर्यन मूव योर हैंड रिलैक्स ये महंगा पड़ जाएगा आर्यन हाथ हटाओ आर्यन आर्यन ही इज नॉट वर्थ आवर टाइम हां लिसन टू हर महंगा पड़ेगा हाथ हटा ले अभी बोल रहा हूं लेट्स गो आर्यन हाथ हटा समझ नहीं आता चल 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 अरे लेके जाओ इनको कोई आ जाते हैं पता नहीं कहां कहां से इडियट्स आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते मैं ऐसा नहीं कर सकता आर्यन यू आर हाईली अंडर एस्टिमेटिंग मी चुपचाप से ये रेजिग्नेशन लेटर साइन करो अदरवाइज मैंने तुम्हें नौकरी से निकाला ना तुम्हारी थोड़ी बहुत बेइज्जती भी हो सकती सर लेकिन इसमें मेरा क्या कसूर है ये सवाल तुम्हें कल रात पार्टी में पूछना चाहिए था खुद से जब अपने चाचा के लिए मुझसे पंगा लिया यू नो तुम सारे इंडियंस की प्रॉब्लम ही ये है लंदन में आके भी लंदन के नहीं हो सकते चार साल से मेरे नीचे काम कर रहे हो और उस बुड्ढे को आए दो दिन हुए हैं और उसके लिए मुझसे पंगा उस बुड्ढे की ना मैं मार दे देना सर उनको गाली देके क्या मिलेगा चाचा जी हमेशा के लिए तो नहीं आए दो चार दिन में चले जाएंगे बस और मेरा करियर बर्बाद हो जाएगा सर प्लीज सर ठीक है एक काम करते हैं मैं ये रेजिग्नेशन लेटर फाड़ के फेंक दे दूं अभी जाओ और उस बुड्ढे को निकाल दो सिंपल है
सर सर ऐसे कैसे निकाल दूं? क्यों, क्या लगता है तुम्हारा? बाप देखो, अपनी नौकरी बचानी है ना, तो अभी के अभी बुड्ढे को घर से निकालो, वरना एक महीने में जॉब से क्या, मैं तुम्हें लंदन से निकाल दूंगा, समझे? नहीं जाने देना मैंने आपको, कोई जरूरत नहीं है। अरे प्रॉब्लम कितने गुड्डी, मैं जाके फटाफट सेट कर देना है। देखो जी, पहले ही आपने कोई कसर नहीं छोड़ी है, अब और पंगा मत डालो। वही पंगा पै जाना है, बात कर। नहीं जाने दूंगी मैं आपको। क्या हो गया? ये फिर काके के ऑफिस जा रहे हैं, उस काली को सॉरी बोलने। ओ गॉड, चाचा जी आपने कल रात को उसको इतनी बार हम सॉरी बोला है ना कि अगले 7 जन्मों तक हम सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है। दसो इसीलिए सॉरी बोलना है, मुझे काके दी चिंता। काके दी चिंता जी, आप समझ मेरी चिंता है, तो एक काम करेंगे। हाँ बोल बोल बोल, काके की करना है बोल, बता। मेरे बॉस से बात करेंगे। हाँ अभी फोन पे सॉरी बोल देता हूँ, फिर घर जाके पर्सनली सॉरी बोल दूंगा। नहीं नहीं सॉरी नहीं, उसे 15-20 पंजाबियों वाली मोटी मोटी गालियां बखिए। तेरी गालियां? हेलो बॉस। हेलो, अरे दीजिए दीजिए। हाँ हाँ, ओ कालिए बॉस, और दसो ठीक है? ओ मैं चाचा जी बात कर रहा हूँ। चाचा जी, आपकी तारीफ में चंद अल्फाज कहने दो, मैं भूल गया था, अभी बता दूं? ओके ओके ओके, एक सेकंड चाचा जी। गाइस प्लीज गेट अप गेट अप गेट अप, टुडे इज अ प्राउड डे फॉर एसडी, द ओल्ड मैन हु इंसल्टेड मी इन द पार्टी यस्टरडे, वो मेरी तारीफ में कुछ अल्फाज कहना चाहते हैं। आई पुट हिम ऑन स्पीकर। हाँ चाचा जी बोलिए। ओ मैंने सोचा तू बंदा शरीफ है, लेकिन तू तो इंडिया का नवाज शरीफ निकला है? तेरे लिए काम करते करते लोगों का पसीना निकला, और तू तो बहुत बड़ा कमीना निकला। What? तो बोला था तू इज्जत देगा, लेकिन क्या पता तू साला हमारे भी ले लेगा। अरे शर्म है तो याद कर अपने वादे, कुत्ते कमीने सुअर के प्यादे। अरे तू शैतान की औलाद है, गधे का भतीजा है, अपने माँ बाप की गलती का नतीजा है। पागल हो गया क्या? अरे चिपकली के अंडे, कुत्ते का भूत, और कालिए तेरी माँ दी, तेरी माँ दी, तेरी बहन दी, तेरे ताऊ की चाची की। ये नौकरी छोड़ा है? नहीं वो मैं, वैसे भी नौकरी किसको करनी है चाचा जी, आप देखना मैं खुद की सॉफ्टवेयर कंपनी खोलूंगा एक, जल्दी कुछ कर लूंगा, कुछ ना कुछ तो कर ही लूंगा। जॉब ढूंढना ही था तो छोड़ा क्यों? छोड़ा नहीं, निकाल दिया मुझे। अफसोस हो रहा है? नहीं, बट थोड़ा बेटर तरीके से हैंडल कर सकता था। वो चाचा जी ने जो किया ठीक किया, पर मैं भी एक टिपिकल हिंदुस्तानी की तरह उस कालिये से भिड़ गया। But that's what I love about you. नहीं, बट what but? कोई मेरे साथ ऐसे करता तब भी तुम बट करते? मैं उसका बट तोड़ देता। अच्छा जी, मैं नहीं मानती। तो मत मानो, बट कॉफी में क्या डाला है? वायग्रा। हाँ? वैसे तो कुछ हो नहीं रहा, सोचा इससे कुछ हो जाए। You know what? What? It's working. Really? ये क्या कर रही है? चाची? चाची जी? चाची? काके, ओ काके गल सुन, वो तेरी चाची यहाँ पे आई है? ए, फिर से नींद में चल के आ गई। ओए गुड्डी, गुड्डी, सो गई है। सुन दरवाजा बंद कर देता हूँ, नहीं तो फिर से उठ के चली जाएगी। पाकिस्तान की शान,
निशान है पाकिस्तान। अब तो तुम अपने अब्बू को बताओगे कि पड़ोस में कैसे दाखिल होते हैं। सारे कपड़े मेरे से तो भाई समझ में नहीं है। से हम आपके लिए लाए हैं। अच्छा। इनकी अम्मी और हमारी बेगम काम पे गई हैंगी। और हारून को संभालना है। अल्लाह कितनी समझदार हैंगी यार। तो ये लीजिए इसकी चुस्नी जी। और ये रहा इसका बॉटल। और दूध तो घर में है। हम शर्मिंदा हैंगे। हारून अब्बा भी जाएंगे बकरा कटवा के लाएंगे फिर की मकलेजी खाएंगे। अल्लाह आपको अति शीघ्र जन्नत बख्शे। चंचल भैया है ये बस रंग थोड़ा सा दब गया है। कोई नहीं आज मैंने तेरे को गोरा कर देना है। पहले तेल से अच्छे से मालिश करूंगी और फिर अरे बाबा क्या ऐसा मसाज हारून का तेरी माँ ने किया होता अच्छे से नहलाया होता तो तेरा रंग अंग्रेजों जैसे हो जाना था। अब तो मैं तेरे को मलाई लगा के नहलाऊंगी। ए देखो ओ माय गॉड व्हाट इज शी डूइंग। आ जाओ। हेलो हेलो 999 प्लीज देयर्स अ लेडी आउटसाइड माय हाउस आई थिंक शी इज किलिंग दिस बेबी शी मस्ट बी अ बेबी किलर। Stop it! Stop it! Freeze! Stop! Put the baby down! Stand back! Stand back! Give me the baby! Sir, अभी उसकी मालिश होनी है अभी मलाई लगा के उसको नहलाऊंगी ना अरुण। Give me the baby! ऐसे कैसे किसी का बच्चा दे दूँ? तेरे अपने बच्चे नहीं है क्या? Can you speak English? English? Yes, yes, yes. Yeah? Good morning. Good evening. Bye bye. Okay, ta-ta. Okay. Stand back! Stand back! What's going on? Give me the baby or I will shoot you. Don't try and hide! You are surrounded by Metropolitan Police. Put down the baby now. Baby killer. She's trying to kill your baby. My baby! Oh, Tati Ji, you're saying that you're going to kill your baby. Get back! Give me the baby or I will shoot. Can you shoot this woman, please? क्या हुआ वेस्ट इंडीज मैच हार गई क्या भाई साहब? हारून बोलो नहीं को जरा। हाँ आई गिव इट टू हर। यू गेव हर द बेबी। आई डू व्हाट डिड यू गिव? आई विल किल यू। आई विल किल यू। स्टॉप इट। आई विल शूट यू। काके पुत्तर गिव मी द बेबी और आई विल शूट यू। Stop! Don't shoot! What happened? She's a baby killer. She's been trying to kill her baby. Yes. Chachi ji, ye kya bol rahi hai? Beta, ye ro raha hai na, to iski malish kar rahi thi beta. Bas ro raha tha na. One second. Aap pehle baby mujhe. Thande. Here's your baby. All right. The baby's at home. No baby. Ek second. Officer. One second. I think there's some sort of confusion. She was only giving the baby a massage. That was an Indian style massage. A massage? Yeah. Holding the baby like this? Like this, matlab? बेटा वो सांस के लिए ना बहुत अच्छा रहता बेटा। She was doing that because it helps the baby breathe and digest. It's just an Indian style massage. You gotta be kidding. Sorry. I don't believe this. I'm sorry. Massager. Sorry जी। देखो ना भाई साहब देखो कितने अच्छे से सो रहा है। मैं इसके लिए मैं रोज मालिश करूँगी। No! कोई मालिश नहीं करेगा। आप घर चलो आप अपने घर जाओ। You go, we come. चाची। अरे रिलैक्स ना यार। चाची ने सिर्फ मालिश की थी बच्चे की, मर्डर थोड़ी किया। वो मर्डर ही था। कोई ऐसे उल्टा लटका के बच्चे की मालिश करता क्या? That woman could have sued us. अरे पंजाब में बच्चों की मालिश ऐसी होती है, ऐसे बच्चे बड़े होके पहलवान बनते हैं। मैं तो कहता हूँ तुम भी अपने बच्चे की मालिश ना चाची जी से करवाना प्लीज। Are you serious? हमारे बच्चे होने तक कोई यही रहने वाले हैं क्या? इरादे तो ऐसे ही लग रहे हैं। अरे एक बात बताओ, तुमने मेरा ट्रिमर देखा क्या? मुझे शेव करना है यार।
तुम्हें तुम्हारी ट्रिमर की पड़ी है, मेरी जीन्स नहीं मिल रही है इधर। चाचा चाची आए ना तब से घर में हर चीज। चाचा जी मेरी ट्रिमर से क्या कर रहे हैं आप? बगल साफ कर। अरे पर ये शेव करने के लिए। हां तो शेव ही तो कर रहा हूं। ए फर्स्ट क्लास हो गया। ले अब तू कर। इसका मैं क्या करूंगा? तू जैसे मैं कर रहा था तू भी कर रहा है। नहीं नहीं चाचा जी आपको अच्छा लगा? हां आप रख लीजिए। वो बहू की जीन फट गई थी ना वो सिल दी। सिल दी? हाँ बेटा खुश हो जाएगी। खुशी के मारे उछल पड़ी। सारे घर में पंजाब की खुशबू बह गई। जी ये पंजाब की खुशबू नहीं फैली है की। चाचा जी साइलेंटली पाद मार रहे हैं। क्या जी? सॉरी उनका जरा पेट खराब रहता है। अरे सॉरी कह रही क्या बात है, पाद ही तो मारा है, कोई बम फूट पड़ा है? देखा गुड्डी ये पाद शायद हमको सब बुजुर्गों से विरासत में मिला है। अरे पाद मारा है तो क्यों है शर्मिंदा? जो पाद रहा है वही तो है जिंदा। बात है क्या बात है, मैं तो रहा मैंने भी पाद के ऊपर गजल लिखी है। वाह क्या बात है, तो हो जाए हो जाए। अरे क्या हो जाए, जाम शाम के बगैर सुनाने का मजा भी तो नहीं आता। वो तो सही है। चाचा जी वो आपने लख रुपए की गल की है, जाम तो चाहिए। हाँ ओए गुड्डी। हाँ जी। और ड्यूटी फ्री वाली बोतल निकाल। हाँ और काके 7-8 मोटी मोटी मूली, 5-6 लाल लाल टमाटर, 7-8 गाजर, पनीर पापड़ नमकीन सब लेकर आता हूँ चाचा जी। गिलास कौन लाएगा खोते दे पुत्र? क्या क्या मैं तुम्हारे घर की मेड हूँ? मैं बहू गाजर काट दे, बहू मूली काट दे, उन्हें ना काट दूँ? काके पापड़ लेकर। अरे वो पनीर मिलेगा? अरे नमकीन के बिना चलेगा कैसे? आई हेट दिस बहू एंड काके। पंजाब में ना बेटे को काके बोलते हैं और उसकी बीवी को बहू बोलते हैं। आई एम नॉट ए बहू। बहू लाइट। हेलो। कभी आवाज कभी विदाउट ये आवाज होता है। वाह वाह वाह। कभी आवाज कभी विदाउट ये आवाज होता है, हर एक पाद का एक खास ही अंदाज होता है। कभी पूपा कभी धड़ाम होता है, कभी चुपके कभी सरेआम होता है। होता है भाई होता, अक्सर होता है जी। समटाइम साइलेंट समटाइम वॉलेंट। कोई दिलकश हसीना छोड़े तो गुलाब खिल जाए। ओ बेबी थोड़े वास्ते है। कोई दिलकश हसीना छोड़े तो गुलाब खिल जाए, हमारी पाद से तो लोगों के दिमाग हिल जाए। When you fart, it smell like a rose. When she fart, drain clothes. अकेले हम कहाँ जहाँ पादता है, अकेले हम कहाँ जहाँ पादता है, पादने के लिए इंसान तो आजाद रहा। कहीं पप्पू पादते हैं, कहीं टोमी पादते हैं, कहीं कोमे पादती है, कहीं कोमी पादती। टैक्स नहीं है पादने पे, सब निशुल्क पाद रहे हैं, कहीं तो पूरे के पूरे मुल्क पाद रहे हैं। अमेरिका ने इराक पे पादा तो ओसामा ने अमेरिका पे पाद दिया, न जाने कितने घरों को तबाह बर्बाद किया। और पाकिस्तान तो हल्के हल्के छोड़ता ही रहता है, हौले हौले फुस्सी वाले फोड़ता ही रहता है। अरे बाकी सबके गिले तो बात के हैं, सबसे ज्यादा तो हमारे अपने ही पादते हैं। अभिनेताओं के पाद तो रिट्वीट होते हैं, उन्हें तो लाइक मिलते हैं, उन्हें तो लाइक मिलते हैं। नेताओं को पादने को माइक मिलते हैं, उन्हें तो माइक मिलते हैं, उन्हें तो माइक मिलते हैं। हमारी पाद के शोले तो बस नाक जलाते हैं, उनके पाद के छर्रे आत्मा हिलाते हैं। अल्लाह। रिश्तों की महक भी ले उड़े पाद। वाह क्या बात है,
रिश्तों की महक भी ले उड़े पार। वाह 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 वा, अब बाप पैदा हो रहे हैं बेटों के बाद। यस 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 ओ जी मेहता साहब नहीं है तो मेहता जी गुजर गए। He died. कब हुआ है? कल देर रात उनको अटैक पड़ा और बेचारे खत्म हो गए। सुबह मेड गई, उसने देखा तो उसने हमें बताया। बच्चे तो फैमिली में है ना। कमाल है। ओए मेहता साहब, ओ जरा धीरे धीरे हंसो जी, धीरे। चाचा जी, मैं तो हंसते हंसते ही मर जाना चाहता हूँ बस। और तो प्रॉब्लम की थे, जोर से हंसो। ऐसे कहाँ ले जा रहे हो? ओ भाई अर्थी मंगाओ, अर्थी में सजा के लेके जाएंगे इनको। अरे मेहता साहब को देखो हंस रहे। ऐसा लगता है जैसे कोई जोक सुनते सुनते उनको हार्ट अटैक पड़ा। एक्सक्यूज मी, हमें देर हो रही है। अरे मेहता साहब को कौन सी ट्रेन पकड़नी है पाई, जो देर होगी तो गए। हमको जाना है ऑफिस जी। आपकी तारीफ। हाँ, ये लखते जिगर मेहता साहब के बेटे हैंगे, ये नूरे नज़र पोते हैंगे, और ये बिल्कुल बेखबर पर पोते हैंगे इनके। महाराज आप ऑफिस जाओगे तो बाप का अंतिम संस्कार कब करोगे? वीकेंड पे। इनका अंतिम संस्कार सैटरडे को फिक्स हो गया है। सीधा सैटरडे को, 5 दिन बाद। रिश्तेदार जी बिजी होते हैंगे ना, यहाँ मैयतें जो है छुट्टियों के दिन में उठती हैगी। अरे मियाँ, बाप का अंतिम संस्कार है, को पिकनिक थोड़ी हो जो छुट्टी के दिन मनाओगे। तो जलाने के लिए ऑफिस से छुट्टी लेने का क्या फायदा? फायदा? एक बात बताओ, आप तो मेहता साहब के बेटे हो ना? अब बचपन में कभी बीमार रहे होंगे तो मेहता साहब ने दफ्तर से छुट्टी ली होगी। आज तो बाप की अंतिम क्रिया करनी है, एक दिन की छुट्टी नहीं ले सकते। मनीष। यस डैड। एम्बुलेंस भेज, अंतिम संस्कार आज ही होगा। यस डैड। ये हुई ना बात, जैसे आप अपने बाप का अंतिम संस्कार कर रहे हो, भगवान करे आपका बेटा भी आपका अंतिम संस्कार वीक डेज में ही करे। क्या ये कह रहे हैं कि आप बहुत अच्छे आदमी हैं? अरे अच्छे आदमी तो हमारे मेहता साहब थे। भाई बोलो जी। चाचा जी, गाजे बाजे का इंतजाम करो, इनका हम विमान निकालेंगे। What the hell's going on here? विमान है मेहता का। What does that mean? A plane, aircraft.
Have you got a license to fly this aircraft, sir? पूछ रही हैंगी जो ये प्लेन उड़ा रहे हो लाइसेंस हैंगा कि नहीं हैंगे? ओ जी हमारे पर तो स्कूटर का लाइसेंस भी नहीं है। ना आएगा जी। Arrest everybody. It's a dead body, not everybody. चाचा जान, they can arrest anybody. Dead body is nobody. Arrest them. जयम जयम। बहुत हो गया। पहले नौकरी से गए, फिर पुलिस स्टेशन गए। 500 पाउंड की पेनल्टी लगी यार, 500 पाउंड। चाची जी को दब देखो, मुंह उठा के नींद में चलते हुए हमारे कमरे में आ जाती है। चाचा जी नेवर्स का बर्थडे हमारे घर पे मना रहे, फाट पे गाने सुनाते हैं यार, फाट पे आ रहे हैं। गाना नहीं गजल थी। गाना या गजल, स्मेल तो सेम ही होती है ना। साढ़े पंजाब में ऐसा ही होता है। हेलो उड़ता पंजाब, मतलब उन्हें ये सब करने की जरूरत क्या है? I think he is loving this. Exactly. He is loving this, but we are not loving this. ऐसे परेशान बैठने से कुछ नहीं होगा आर्यन, उनको वापस भेजो। अरे मेरी माँ, वही तो सोच रहा हूँ कि क्या करूँ, उनको कैसे भगाऊँ। प्लान सोचना पड़ेगा, करना पड़ेगा। तेरे हाथ नहानी, my name is Sheila, Sheila ki jawani. Aryan, I have an idea. Yeah. मैं कहता हूँ बंद करो ये सब, फौरन ये कपड़े उतारो वरना। कपड़े उतार तो पहने ही कितने? तुमने सुना नहीं क्या? तुमने मेरे फ्रेंड्स की इंसल्ट की? और करूँ? नो, मैं अभी इसी वक्त ही घर छोड़ के जा रही हूँ। चलो टेरी शेरी। गो टेरी शेरी। रुको टेरी शेरी, रुको। ओए पुत्र बात क्या है, क्या बात है बता तो सही। चाचा जी आप बीच में मत पड़े। अने तुम अभी तक खड़ी हो, गो टेरी शेरी। रुको टेरी शेरी, और बता क्यों बहू को घर से निकाल रहा है, बता। मैं बताता हूँ, मैंने इसको बोला कि ऐसे कपड़े मत पहना कर, चाचा चाची बड़े संस्कारी लोग हैं, बहू को छोटे कपड़ों में देखेंगे तो बड़ा सदमा लग जाएगा, घर छोड़ के चले जाएंगे। लेकिन ये सुनती नहीं, देखिए ना कितने गंदे कपड़े पहनी है। अच्छी, अरे बेटा ये कहाँ गंदे कपड़े हैं, अरे कितने धुले धुले कपड़े, और लड़कियां भी कितनी धुली धुली चमक रही। चाचा जी आपको एक कपड़े ठीक लगे? पर आपने तो कहा था कि अगर मैं ऐसे छोटे छोटे कपड़े पहन के घूमूंगी तो आप घर छोड़ के चले जाएंगे। चाचा जी याद करिए, पहले दिन आप ही ने यहाँ पे खड़े होके कहा था। पुत्र मैंने तो याद नहीं है कि मैंने। अरे ऐसे कैसे याद नहीं आ रहा यार, याद कीजिए। करता हूँ, याद करता। मैनू याद नहीं है, और वैसे भी लंदन में रह के मेरा हृदय परिवर्तन हो गया है। अरे गुड्डी आपके चाचा जी ने जबरदस्ती खरीदवा दी। बिग बैन के पास 10 में फूल बेच रहा था, मैंने 5 दे के आधा खरीद लिया। वैसे जच रही है ना। शर्मा गई। ओए तू टेरी है? Yes. और तू शेरी है? हाँ. है? तो विस्की किसकी है? मेरी है. मेरी है. मेरी है. मेरी थी, पी गए. ए काके. अरे अनाया. 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 अरे लिसन ना, अरे क्या कर रही हो यार, क्या कर रही हो? तुम्हें दिख नहीं रहा मैं घर छोड़ के जा रही हूँ? अरे वो नहीं, मेरी अंडरवियर क्यों पैक कर रही हो? यार तू यहाँ क्यों आया, किसने बुलाया इसको? अरे मुझे क्या पता किसने बुलाया यार, वो अनया वो बिन बुलाए आते हैं।
आर्यन प्लीज कुछ करो वरना मैं कुछ कर बैठूंगी। अच्छा रो मत, मैं सीधा सीधा जाके बोल देता हूँ कि भाई मुझसे अब नहीं हो रहा। हाँ चाचा जी, आपको देख के पंजाब की याद आती है। आपको नहीं आती? आती आती है बेटा, आती है। अच्छा चाचा जी, मेरा एक दोस्त है, वो कह रहा था पेटीएम ऐप पर फ्लाइट बुकिंग पे कैशबैक मिल रहा है, लंदन टू इंडिया ऑलमोस्ट फ्री है, ऑलमोस्ट फ्री वाले टिकट्स। रियली? हाँ हाँ। अरे वाह। तो बोल रहा था किसी को चाहिए हो तो बता देना। तो बता दूं? क्या बता दूं बेटा, अगर फ्री टिकट चाहिए हो तो। मैं तो किसको जानता नहीं हूँ कि जिसको इंडिया जाना हो। गुड्डी तू जानती है? नहीं तो पता चलेगा बता दूं, पर इंडिया क्यों जाना है आज? चाचा जी, वैसे इंडिया इंडिया नहीं लंदन में बरसात बहुत होने वाली है, मौसम बहुत खराब होने वाला चाचा जी। तो प्रॉब्लम करते है, हम छाता लेकर ही आए। क्यों गुड्डी जी? दो दो लाई हूँ, एक बारिश में खोलने के लिए, एक धूप में खोलने के लिए। एक आगे, एक आगे, एक आगे। मेरा तो हो गया, बड़ा आ गया। ये मूली के पराठे हजम नहीं होते। देखा ना जरा, पेट पेट खराब होता चाचा जी। तो गुड्डी मीठा मीठा देखती हूँ। और सब ठीक? गुड्डी ये प्रॉब्लम कितने? आज मेरा जॉब इंटरव्यू है तो घर जल्दी आऊंगा। जब तक चाचा चाची घर पे, मैं घर नहीं आऊंगी। अनाया अनाया क्या आ रहे हैं? ये लाइफ के लिए शादी नहीं की थी कि वो आराम से लंदन घूमे और हम यहाँ पे पागलों की जैसे बस। अनाया ऐसे तो क्या आर्यन? वो देखो, अरे ये लोग तो लंदन घूमने गए थे ना। चाचा चाची ये लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं? हेलो हेलो चाचा जी, लंदन टूर कैसा चल रहा है? ओ जी फर्स्ट क्लास चल रहा है, बस तो सब जगह घुमा घुमा के लेके जा रही है पुत्र। अच्छा बस में घूम रहे हैं? गुड्डी गुड्डी नीचे मत जा, गिर जाएगी, नीचे मत जा, गिर जाएगी। क्या हुआ चाचा जी? गुड्डी नीचे जाके बस के टायर गिर रही है। अच्छा चाची जी बस में झांक के टायर गिर रही है। हेलो 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 चाचा जी, शाम को मिलते पुत्र शाम। ये लोग झूठ क्यों बोल रहे हैं यार? एक बार पहले भी उन्होंने ऐसे किया था। गड़बड़ है, पता करना पड़ेगा। इनके सामान की तलाशी लेते हैं, कुछ तो छुपा रहे हैं लोग।
बाकायदा। अब क्या होगा? यही जो अलकायदा के कायदे में होता है। गफात और सफात खिलखुलात जिसरा आहो क्या फायदा कल कायदा हिजबुल लाइनबुल लड़की ब्यूटीफुल कर गई चुल वल्लाह इन इनका ना जरा पेट खराब रहता है गुड डे गुरगफात ठीक क्यों नहीं आनी कुछ नहीं डर क्यों रहे हो आप लोग घूम घूम के आ गए अरे घुमा घुमा के इन्होंने मेरा सर घुमा दिया लंदन की एक बात माननी पड़ेगी पुत्र इत्थे का बच्चा बच्चा अंग्रेजी जानदा ए बो इधर नहीं अरे इधर आ चल जाओ चल जाओ अरे नकली है ए ले बो ए ले तेरे लिए तेरा दिल करता है ना कभी कभी मैनू गोली मारने का इससे मारना और ये तेरे होने वाले बच्चे के लिए इन चाची जान बच्चे कहाँ आएंगे तो बच्चे आ जाएंगे खिलौने घर पे रहने से याद रहता कि बच्चा भी आना है वरना लंदन में टाइम कितने लोगों के पास बच्चे पैदा करने वास्ते आपने दुरुस्त कहा है मुझे देखिए लंदन में 6 साल से है लालू खेत हो रखे हैंगे 6 साल में एक हादसा हारून पाकिस्तान होता अफरीदी असलम सोहेल 11 की क्रिकेट टीम खड़ी कर देते हैं हम 11 नहीं 13 मियां 13 चाचा जी क्रिकेट है 11 के प्लेयर होते हैंगे तो तुम्हारे 2 अंपायर भी तुम्हारी तरफ से खेलेंगे हैंगे ना जय तो है अरे बट गल सुन यार अरे प्रॉब्लम कितने भाई हैव टू अकॉम्पनी अस डाउन टू द स्टेशन आने दो गुड्डी गुड्डी कल सबको लंग बंद तो नहीं खुला रहेगा ना प्लीज प्लीज ये कैसे किया तुमने अरे मैंने पुलिस को फोन करके बोला कि चाचा जी का वीजा एक्सपायर हो गया तुम्हें कैसे पता मैंने चाचा जी का पासपोर्ट देखा था 2 महीने का वीजा बचा हुआ था आए हुए 3 महीने हो गए इनको पुलिस खुद ही अपने आप भेज देगी इनको I'm gonna ask a few questions. Please answer correctly. जी, हमारे काके को बुला दीजिए, please. आप लोग पहले इनके सवालों का जवाब दीजिए. जो ठीक है. हाँ जी. Sir, please tell me your name. गंगा शरण गणदोत्रा. And your name, please. जी, शाजिया खान. Can I see your papers? Visa और passport कहाँ है आपका? एक कॉल फोन करने को मिलेगा किसको फोन करना चाहते हैं अरे आर्यन अरे इतने दिनों बाद गुलामी से आजादी मिली है ये घर अब हमारा है हमारा जो मन करेगा जहां मन करेगा करेंगे बाथरूम में खाना खाएंगे बेडरूम में नहाएंगे और किचन में प्यार करेंगे किचन में भूख लगी है चाचा जी आप घर पे अरे मैं तो शाम को जल्दी आ गया था थक गया था तो सो गया था गुड्डी तो अभी भी सो रही है तेनु पता है की होया आज नहीं ओए मैनू पुलिस पकड़ के ले गई पुलिस पकड़ के ले गए किसी खोते दे पुत्र पैन दे टक्के ने फोन कर दिया था कि हमारा वीजा खत्म हो गया हम गैर कानूनी रहते फिर अरे उनानु की पता साढ़े बड़े बड़े कनेक्शन है हाँ मैंने तो 1 साल का वीजा पहले ही बढ़वा लिया था तेरी शादी के टाइम क्या बोनी सिंह वो पोनी का हस्बैंड एम्बेसी में तो काम करता है हाँ और इस बार उसको बोल के मैंने 6 महीने का और लगवा दिया है? तेरे बच्चे भी होंगे ना एक गुड्डी भी सब सामान फ्रिज में रखती है ये
चाचा जी इतना सब हो गया, आपने एक फोन भी नहीं किया, गैर थोड़ी है। जरूरत ही नहीं पड़ी बेटा, बोनी सिंह आया पुलिस पे और फटाफट छुड़वा के लेके गया। देख चाचा जी पासपोर्ट में तो चाची जी का नाम शाजिया खान है बेटा, मुसलमान है। चाचा जी शादी के बाद सरनेम अलग अलग कैसे? अरे मैंने गुड्डी से शादी की है, सरनेम से नहीं, इंसान से शादी की है बेटा, मुसलमान से नहीं की। बहू खाओगी कुछ? हाँ नहीं चाचा जी, खा कर आई हूँ। ओए पुत्र तू? नहीं मैं भी भूख नहीं लगी चाचा जी। ओए काके गल सुन, वह सब ठीक है, टेंशन नहीं है ना, वो तो बता देना हा? हम तेरे ही हैं, हाँ समझ गया? चिंता गाड़ी भगा के लेके जा रहा है, ये तो बता दे कितने जा रहे हैं। चाचा जी हम स्कॉटलैंड जा रहे हैं, वहाँ बहुत बड़ा मंदिर है, मैंने सोचा आप लोगों को दर्शन करा दूं। ये बात है, वाह 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 पुत्र, तेरा नाम काके नहीं श्रवण कुमार होना चाहिए। बुड्ढी है देखा, ये ऐसे होते हैं विचार जैसे तेरे हाथ का डाला हुआ आम का अचार। चंडो तुसी, पर ये बता सारा सामान क्यों रखवा लिया? मेरा छाता भी अंदर रखवा दिया। देखो चाची जी वो एक दो दिन लग सकते हैं, तो मैंने सोचा अच्छे से घुमा दूं। लेकिन पुत्र हमको तो कल ही लंदन वापस आना है। क्यों चाचा जी? वो अपना ये वो गुरुद्वारे में पाठ रखवाया है। पाठ है गुरुद्वारे। आ जाएंगे ना वापस? जी आ जाइए। हां बस तू भगा पुत्र। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चाचा जान हैंगे? उनका पार्सल आया था। क्या है इसमें? अल्लाह जाने क्या है इसमें, दो दिन पहले हमारे एड्रेस पे मंगवाया था, बोला आज ले जाएंगे, कल जा रहे हैंगे ना वो, तो हमने सोचा अभी चल के दे आते हैं कहीं भूल ना जाए। कहाँ हैंगे कहाँ वो? नहीं चाचा जी ये कॉफी पीने के लिए। हाँ ये तो अच्छा किया बेटा, सुबह से कुछ खा रहा है। आ जा कुछ। मैं लगाता हूँ। टू कॉफी प्लीज। जस्ट टू? बेटा तू भी कुछ खा ले, सवेरे से कुछ नहीं खाया। नहीं चाची मुझे भूख नहीं है। अरे गाड़ी में भी नहीं खाया कुछ भी? लगता है तेरे को चाची के हाथ का खाना अच्छा नहीं लगता है ना? नहीं ऐसी बात नहीं है, आप लोगों ने तो आदतें बिगाड़ रखी है, बहुत मिस करूंगा आप लोगों को। मिस करेगा वही, तू कितने जा है? जाने तो कोई दूसरा उठा ले। जाना ये लड़का भी ना। कुछ भी कहो लेकिन अपना काका है बड़ा पिता। मुझे आ गई कॉफी। कॉफी three, my son. He only ordered two. Get it? Two? He No, my son, come in.
three coffee. Sir, he has gone. Your luggage is there. काम से आ जाएगा। हाँ जी, एक्सक्यूज मी, डू यू नीड एनीथिंग? आई एम क्लोजिंग फॉर द डे। ठीक है, घबराने की बात नहीं, तुमको छोड़ के थोड़ी ना जाएगा। हैं? नहीं कुछ तो मसला है। आर्यन, चाचा जी को फोन करो। क्या हुआ? 1 lakh pounds? तुम्हारे अकाउंट में 70 lakh rupees किसने डिपॉजिट किए? माँ बाप आपके आए थे? चाचा चाची। क्या रिश्ता है आपका उनसे? जी वो हमारे गेस्ट थे और लंदन घूमने आए थे। वो लंदन घूमने नहीं आए थे, अपने बेटे का सामान लेने आए थे। उनका बेटा अजय गंडोत्रा IIT पास आउट, इसी ऑफिस में काम करता था। 9/11 वो न्यूयॉर्क गया था ऑफिस से किसी काम से। जिस वक्त वो हादसा हुआ वो भी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में था, लाश तक नहीं मिली उसकी। उसकी मौत की खबर सुन के उसकी मां को स्ट्रोक लगा और 8 साल लग गए उन्हें अपने पैरों पे वापस खड़े होने। उसकी मां को अपने बेटे के लिए आखिरी नमाज पढ़नी थी ग्राउंड जीरो, जिस जगह उनके बेटे की मौत। 3 महीने पहले वो आए थे। इतनी बड़ी ऑफिस में काम करता था मेरा काका। He was a great guy, great friend, great son. ना मैं भूल रहा था कि उसका जो सामान जो है बेटा, हम कुछ दिन बाद ले जाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं ना? कल कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या है कि लंदन में हमारा बेटा है, बेटे जैसा है, उसकी शादी है तो थोड़े दिन के बाद।
अंकल कोई प्रॉब्लम नहीं, जैसा आप चाहें हो जाएगा। जिस बेटे के सामान को पाने के लिए 9 साल इंतजार किया, इस नमाज को पढ़ने के लिए माँ ने 9 साल इंतजार किया, हमारी खुशियों के लिए 3 महीने और। फिर कुछ दिनों पहले दोनों आए थे। पुत्र एक काम करना, इस एड्रेस पे जरा ये सामान कुरियर करवा दे। शादी के माहौल वाला घर है, हम वहाँ जाकर हमारी कहानी सुना के काके को दुखी करना नहीं चाहते, ठीक है? अंकल, अजय का एक इंश्योरेंस अमाउंट है 1 लाख पाउंड, लगभग 70-80 लाख रुपए। आप अपना अकाउंट नंबर दे दीजिए, कल तक ट्रांसफर हो जाएगा। हमारा काका अनमोल था, उसका मोल। और बच्चे की मौत का पैसा कौन माँ बाप खा सकता है? आप वो पैसा हमारा जो लंदन वाला काका है उसके अकाउंट में ट्रांसफर करवा दें, मैं आपको सारी डिटेल भेज दूँ, ठीक है? फकीर लोग, पाने की कोई चाह नहीं थी और खोने के लिए कुछ बचा नहीं था उनके पास। पाने की अब चाह नहीं कुछ, खोने को
उधर कहाँ है तू? ना फोन ना कुछ, माँ की याद नहीं आती क्या? अरे छोड़ो यार, आपकी याद जाती नहीं तो आएगी कहाँ से? चल झूठे, कभी फोन नहीं किया। बिजी था वहाँ, मैं अमेरिका आया हूँ, न्यूयॉर्क ऑफिस के काम से। बहुत खूबसूरत जगह, इतना रश, इतने लोग, कोई खो जाए तो ढूंढना मुश्किल। मैं यहाँ खड़ा हूँ, चिड़िया है, क्या खूबसूरत जगह है, क्या नज़ारा है, क्या लाइफ है। ओए खोते दे पुत्ता, कल्ले कल्ले नजारे ले रहा है। ओए छड्डो यार, आपकी उम्र हो गई है, पर फिकर मत करो, आपको जल्दी यहाँ लेके आऊंगा तो बैग लगाएंगे और साथ में नजारे देखेंगे। आपको पता है माँ, टाइम स्क्वायर के बारे में कहते हैं कि अगर एक बार कोई आपको मिलता है तो यहाँ दोबारा जरूर मिलता है। सबसे ऊंची बिल्डिंग वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, मेरे सामने ही ट्विन टावर, आप आओगे तो दिखाऊंगा, दूर से ही नजर आ जाते। बेटा हमारा आना कहाँ, तू आ जा, बड़े दिन हो गए तुझे देखे, बड़ा दिल कर रहा। छोड़ो यार, आंखें बंद करो फिर बोलो। देखो ये मैं खड़ा हूँ और पीछे ट्विन टावर। साढ़े काके का नाम है, क्या कसूर था मेरे बेटे का जो उसका नाम यहां पे छप गया? क्या बिगाड़ा था उसने किसी का? एक ही बेटा था हमारा, वो सारा दिन बस एक ही नाम, काके 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 है जी। मेरे को तेरे जैसा दिखता था पुत्र, जा लपा कबरू जवान चला गया। अब तो उसका सामान लेने आया था पुत्र, तेनु तंग करने नहीं आया था। मैं गुड्डी से कहता था कि गुड्डी निकल जाते हैं, काके को तकलीफ होती होगी, लेकिन ये ट्यूबलाइट है जे नहीं, हम काके का घर सेट करके ही जाएंगे। तो हमारे काके की शादी तो हम नहीं कर पाए, ये तेरी शादी करके लगा जैसे हमारे बेटे की शादी हो गई। गलती हो गई हो तो माफ कर दे। नहीं चाचा जी, गलती तो हमसे हुई है, हमें किसी की आदत नहीं है ना, आप
के अपनेपन को समझ ही नहीं पाया। चाची हम तो झूठे डॉग लवर्स की तरह, जैसे लोग कुत्तों से प्यार करते वैसे हम इंसानों से प्यार करते। जब हमारा मन हुआ टॉबी आओ, जब मन हुआ टॉबी गो। टॉबी का मन, उसका कैसा मन, वो तो कुत्ता है। ऐसे हम लोगों ने आपके साथ ट्रीट किया। जब हमारा मतलब निकल गया छोड़ा है सड़क पे। हमने तो शादी भी मतलब के लिए की थी, पर असली मतलब तो आप दोनों ने समझाया ना। मैं वेरी सॉरी। नहीं बेटा, हमें भी तो समझना चाहिए। बच्चे तो मिट्टी के खिलौने होते हैं, कस के पकड़ो ना टूट जाते। हमने कुछ कुछ ज्यादा ही कस के पकड़। चाची जी प्लीज प्लीज। लोग कैसी बात कर रहे हैं? अगर आपका अपना काका होता तो आप ऐसे हाथ जोड़ते? या वो आपको ऐसे हाथ जोड़ने देता? अरे दिल जीत लिया पुत्र, वाह वाह। हमारा काका होता तो कहता छोड़ यार और आके सीधा सीने से लग जा। गरीब नवा मैं गलियां दा कूड़ा रूड़ा साई रखियो मेरी ला रखियो मेरी लाज। हम हिंदुस्तानी भी कितने अजीब होते हैं ना। पहले मेहमान को भगवान बना के घर ले आते हैं, फिर उनके विसर्जन करने के तरीके ढूंढते हैं। काके आपका अचानक कैसे प्लान बन जाते हैं? अचानक कहाँ बेटा, जब हमको पता चला कि काका के बहू की काका और काकी दोनों आ रहे हैं तो हम आ गए। 3 महीने पहले ही सस्ते में टिकट बुक करवा लिया। अब तो मैं इन दोनों की मालिश करा के उनको अच्छा हट्टा कट्टा बना के ही जाना है। और जी लेकिन स्कूल छोड़ने मैं जाऊँगा, पार्क तो मैं ही ले जाऊंगी। खेलेगा तो मेरे साथ ना। खिलाऊंगी तो मैं ना। ओए क्या खड़े खड़े सुन रहा है हा? बाकी प्लानिंग घर पे बताते, जा सामान लेकर आ। और सब ठीक? सब ठीक चाचा जी। और पुत्र जी चाचा जी, हम तुझ पे बोझ बनना नहीं चाहते। तू कहे तो हम किसी होटल में रुक जाते। क्यों गुड्डी? आहो जी, हम आप दोनों को तकलीफ नहीं देना चाहते ना बच्चों। अरे नहीं नहीं चाची जी, इसमें तकलीफ की क्या बात है, हम पराए थोड़ी ना। अच्छा। लेकिन अगर आप लोगों को होटल में रुकना है तो मैं कैसे रोक सकता हूँ? कैसे रोक सकता हूँ? चपेट मारूंगा मुंह पे। हम कह रहे हैं पराए हैं और तेरा हक बनता है रोकने का। एक बार रोक के दिखा, देख हम रुकते कि नहीं रुकते। रोक। रुक जाइए चाचा जी, रुक गए। पटियाला तेरी जवानी आजा कर दे शुरू कहानी। हूँ तो मैं एक देसी छोरा पर जादू इंग्लिश रानी। मचाना शोर है, म्यूजिक में जोर है, स्टाइल मेरा थोड़ा क्रेज है, ये नहीं बैं। प्यार मिला दे, थोड़ा दारू बिच प्यार मिला दे। नशे दिए बंद बोतले, नशे दिए बंद बोतले। तू ही मंजिल है मेरी, तू ही तकदीर है मेरी, तेरे नाल जिंदगी दी कभी दिक।
कमी प्यार दा जान पिला दे दिल ना दिल मिला दे उस नारी रानी तू ही मेरी महबूब मेरी अखियां दी प्यास बुझा दे गोरा दारू विच प्यार मिला दे मिला दे ओ साजना जिसको तू बेकाबू हो जाए अब व्हाट टू डू हुस्न में नशा लो जी मैं फंसा टेल मी बेबी क्या मैं करूं